ना उसका दोस्तों, अगर आप एमएससी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप नीट एग्जाम दे रहे हैं, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो किस प्रकार से आपको तुक्का लगाना है, तुक्का स्ट्रेटी 100% वर्किंग। इस ट्रिक को अप्लाई करने से आपके 60 से 70% चांसेस रहते हैं कि आपके 10 में से 7 क्वेश्चन तो करेक्ट जाएंगे इस ट्रिक को अप्लाई करके। तो ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक है, आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कर लो चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट ट्रिक है हमारी कि अगर आपको नन ऑफ दीज ऑप्शन आ रहा है, तो नन ऑफ दीज बहुत ही कम चांसेस रहता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नन ऑफ दीज का सबसे कम चांसेस रहता है। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में एक दो बार मुश्किल से पूछा जाएगा तो जाएगा, वरना नन ऑफ दीज को तो आपको स्किप करना ही करना है। ठीक है, नन ऑफ दीज टाइप, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। नन ऑफ दीज को स्किप करना है आपको। आपकी एमएससी के एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं, उन 200 क्वेश्चन में से करेक्ट ऑप्शन आपके ए ऑप्शन भी होंगे, बी ऑप्शन भी 50 होंगे, सी ऑप्शन भी करेक्ट सी होंगे, और डी ऑप्शन भी होंगे आपके 50 करेक्ट। इस तरह पे से सीक्वेंस बनाकर पेपर सेट किया जाता है। तो लास्ट में आपको क्या देखना है कि आप लोगों ने सबसे ज्यादा किसको मार्क किया, जैसे ए किया है, सी किया है, आपने बी सबसे कम किया है, लास्ट में आपको पता चलता है कि आपने सबसे कम भी किया है। तो जिन क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, स्किप किए थे, लास्ट में आपको मार्क करना है, उनको करेक्ट करना है। जैसे कि आपने ऑप्शन बी सबसे कम चूज किया था, जिन क्वेश्चन को आप लास्ट में आपने छोड़ दिए हैं, अगर आपको नहीं आ रहे थे वो, फिर उन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, मार्क करना है बी पर, ठीक है। एंड आपकी नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रिक है आपकी ऑल ऑफ दीज। अगर ऑल ऑफ दीज टाइप अगर ऑप्शन दिया गया है, आपका 4 ऑप्शन रहते हैं, अगर उसमें ऑल ऑफ दीज है तो आपको डी ऑप्शन जरूर टिक करना है, ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन को समझ लेना है, फिर आपके ऑप्शन देखना, एंड डी के चांसेस हाई रहेंगे। आपको तुक्का लगा रहे हो तो डी पर तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि डी ये 32% चांसेस रहते हैं, मैक्सिमम चांसेस बनते हैं 32-33% चांसेस रहते हैं कि वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम चांस रहेंगे कि ऑल ऑफ दीज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें डी ऑप्शन जो पूछा जा जाएगा आपका, डी में वो आपका करेक्ट होगा, तो डी पर जरूर लगाना ऑल ऑफ दीज टाइप क्वेश्चन में। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ऑल ऑफ दीज अगर है तो उसको टिक जरूर करना। वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एमएससीएट एग्जाम्स में पिछली बार भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आप मॉक टेस्ट वगैरह कर्नाटका के जो सीएट एग्जाम्स होते हैं अदर स्टेट के, क्योंकि क्वेश्चंस आपको वही सेम रहते हैं, पैटर्न भी सेम रहता है, उनका भी थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनके मॉक टेस्ट वगैरह आप लोग जरूर लगा लेना। आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप लोग की फुल प्रिपरेशन करवाई जाती है कि क्वेश्चन को तोड़ फोड़ करवाया जाता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहना, वीडियो को लाइक कर दो, कर लो चैनल सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, बी ऑप्शन बी। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है, 4 ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, सबसे हाई प्रोबेबिलिटी तो रहती है ऑप्शन नंबर बी की। तो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो ऑप्शन बी आप चूज कर सकते हैं, देन उसके बाद सी ऑप्शन, ए और डी की प्रोबेबिलिटी काफी कम रहती है, ऑप्शन बी एंड उसके बाद सी इनमें से चूज कर सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन आपको सेम मिलते जुलते लग रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका 16 एंड सेकंड ऑप्शन है 16.5 और एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका 17 एंड फोर्थ है 21। तो आपको फर्स्ट और सेकंड में से ही चूज करना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। नेक्स्ट ट्रिक है कि चेंज द सीक्वेंस। जैसे ए बी सी का सीक्वेंस बन रहा है तो फोर्थ ऑप्शन आपका डी नहीं आएगा, जैसे ए फर्स्ट का क्वेश्चन आपने ए किया, दूसरे का बी आपको करेक्ट लगा, आपने बी किया, थर्ड का आपने सी कर दिया, तो फोर्थ ऑप्शन कभी डी नहीं आएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका डी नहीं आएगा तो इसको स्किप स्किप करना है। एंड आपने लगातार 3 क्वेश्चन आपने ऑप्शन ए किए, ये ए और या फिर बी 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 या फिर सी 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 और या फिर डी डी डी, तो इस और फोर्थ क्वेश्चन में आपका सेम नहीं आएगा, फोर्थ सेम नहीं आएगा, जैसे आपने ए ए ए किए तो फोर्थ आपका सेम नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको सिक्वेंस को तोड़ना है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिए, ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, प्लस आपके एमएससी एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए बेस्ट है। आईएमपी क्वेश्चंस, टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके एंड वायरल क्वेश्चंस वगैरह किसी भी चलती है, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो कर दिए लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है एंड वेबसाइट भी हमारी दी गई है, वहाँ पर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, उनके आंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, उन पीडीएफ को आप अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। आप नीट एग्जाम के लिए, एमएससी एग्जाम के लिए कोई प्रिपरेशन करवाई जा रही है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो जल्दी से अभी ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है, डिस्क्रिप्शन को चेक करो एंड ज्वाइन करो। धन्यवाद।